ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने अमेरिका में चल रही इस चैंपियनशिप के ग्रुप राउंड के पहले अटेम्प्ट में ही 88.39 मीटर भाला फेंककर फाइनल की टिकट पक्की कर ली। 24 साल के नीरज का यह तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। फाइनल राउंड भारतीय समयानुसार रविवार सुबह 7:05 पर शुरू होगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप के पुरुष जैवलिन थ्रो इवेंट में खिलाड़ियों को दो ग्रुपों में रखा गया था। इन दोनों ग्रुपों में बेस्ट 12 खिलाड़ियों को फाइनल में जगह मिलनी थी। ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन के लिए 83.50 का पैमाना तय किया गया था। नीरज ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में इस मार्क को पार कर फाइनल में एंट्री कर ली है। वो ग्रुप ए में रखे गए थे। नीरज चोपड़ा के अलावा चेक गणराज्य के ओलंपिक रजत पदक विजेता जैकब वाल्डेज भी 85.23 मीटर के पहले प्रयास के थ्रो के साथ फाइनल में पहुंच गए हैं। इन दोनों के अलावा कोई भी खिलाड़ी इस मार्क को पार नहीं कर पाया है। अगर ओरेगॉन में नीरज चोपड़ा जीतते हैं तो वो 2008-09 में नॉर्वे के एंड्रियास थोर किल्डनसन के बाद ओलंपिक और विश्व खिताब जीतने वाले पहले पुरुष भाला फेंकने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। इसके अलावा अगर नीरज जीत जाते हैं तो वो 19 साल का मेडल का सूखा भी खत्म कर देंगे। भारत को आखिरी बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में मेडल जिताया था। अंजू बॉबी जॉर्ज ने तब ब्रोंज मेडल पर कब्जा जमाया था। बता दें कि इससे पहले नीरज साल 2017 में लंदन में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेले थे। यहाँ ग्रुप राउंड में वो भाले से 82.26 मीटर की दूरी ही तय कर पाए थे। ऐसे में वो फाइनल में एंट्री नहीं ले सके थे। इसके बाद साल 2019 में दोहा में चैंपियनशिप में वो कोहनी की सर्जरी के कारण हिस्सा नहीं ले पाए थे।